हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगी और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही होंगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज जा रहे हैं हम लोग थर्ड डेजर्ट में, जो कि सिंध में है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। जैसा कि आपको रास्ते से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और रोड जो है वो बिल्कुल एक सीधी रोड है जो कि जा रही है, और कई दफ़ा ऐसा लग रहा था वहाँ से गुजरते हुए कि सीधी बिल्कुल वो जो रोड है ना वो आसमान की तरफ जा रही है, बिल्कुल आसमान से कनेक्टेड है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो मतलब लोगों का यहाँ पे जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ज़्यादातर गांव जो हैं वो दूर दूर हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ के सिंधी ज़ुबान ज़्यादातर बोलते हैं। तो बस जा रहे हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है, मतलब आई थिंक घंटा डेढ़ घंटा जो है वो उमरकोट से लगता है थर्ड डेजर्ट में जाने के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, यहाँ पे लोग जो हैं वो कुएं से पानी निकाल रहे थे, और हर बंदा जो है ना वो अपने लिए, मतलब जो भी उसके पास जानवर है वो वाला जानवर लेके आता है, जिसके पास जो है वो गधा है वो गधा लेके आता है, और उसकी मदद से जो है वो पानी जो है वो निकालते हैं, मतलब वो पानी खींचते हैं, ठीक है, जानवर उनके जो हैं। और ऊँट भी हैं यहाँ पर, गधे भी हैं, और रस्ते में जो था ना ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर यहाँ पे लोगों के पास ऊँट हैं, तो रस्ते में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊँट नज़र आ रहे थे। रेतला इलाका है बहुत ज़्यादा, और फिज़ा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा वो हुई थी, आलूदा सी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हवाओं का जो है ना वो मौसम हुआ हुआ है, हवाएँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलना शुरू हुई हैं, तो उसकी वजह से जब रेत उड़ती है तो वो फ़िज़ा में भी सारी उस तरह से फैल जाती है। तो इतना क्लियर उस तरह से जो है ना वो अभी नहीं है जिस तरह से ये पहले होता है। रास्ता इतना ज़्यादा मतलब लंबा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा इस वजह से लग रहा था क्योंकि साइड पे और कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती, सारा कुछ बिल्कुल एक जैसा था। तो अभी मेन रोड से हमने अंदर एंटर होना है, तो उसके लिए जो गाड़ी की ना हवा थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, आई थिंक एक टायर की 30 सेकेंड हवा कम करनी पड़ती है, और ये जो फोर व्हीलर गाड़ी है ना ये ही मतलब रेत पे और पहाड़ों पे जो है ना वो जा सकती है। तो अभी मेन रोड से अंदर हमने एक गाँव में जाना है, और यहाँ से हमने जो है ना अंदर टर्न लिया है, और अब जो है ना वो हमारी सही वाली जो है ना वो एडवेंचर राइड जो है वो शुरू हुई है। यहाँ पे आप गाड़ी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगा सकते, स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा है, तो अगर गाड़ी आपकी आई थिंक फंस जाएगी तो वो फिर फंस ही जाएगी, वो फिर आगे नहीं जा सकेगी। तो इतना ज़्यादा हम लोग गाड़ी में बैठे जो है ना वो उछल रहे थे, और इतने ज़्यादा मतलब जंप्स तो नहीं थे, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि आप ब्रेक नहीं लगा सकते, उसको स्लो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से ना, और फिर साइडों पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ, और बिल्कुल छोटा सा रास्ता है ये जो उस गाँव की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक एडवेंचर राइड थी, और बहुत मज़ा आया, एक्साइटेड बहुत थे क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे थे, तो इसलिए बस इन्जॉय कर रहे थे। तो मैंने ये सारे जो क्लिप्स हैं ना ये इसीलिए मैंने ज़्यादा लिए, ताकि मैं आपको सारा दिखा सकूं अच्छे तरीके से कि लोग वहाँ के किस तरह से रहते हैं। तो ये सारे कुएँ हैं जो कि बारिशों के पानी से भरे जाते हैं, और ये अंडरग्राउंड होते हैं ताकि पानी जो है वो ठंडा रह सके और महफूज रह सके। तो फाइनली हम इस गांव में पहुंच चुके हैं, और ये जो है ये एक स्कूल है जिसको हम सबसे पहले विज़िट करेंगे, और फिर स्कूल को विज़िट करने के बाद जो है वो फिर गांव में जाएंगे और गांव को विज़िट करेंगे। तो क्लासरूम में हम लोग एंटर हो चुके हैं, इनका पेपर हो रहा था, ये खड़े हुए और हमें टाइम विश किया, और अभी जो है वो कुछ क्लिप्स मैंने सोचा कि बच्चों के लेती हूँ, इनको दिखाती हूँ आप लोगों को कि इनका स्कूल किस तरह से है और ये किस तरह से पढ़ते हैं, सिंधी ज़ुबान पढ़ते हैं, लेकिन अभी इनका इंग्लिश का पेपर भी हो रहा था, तो वो भी ये साथ इनको काफ़ी कुछ पता है, गुड मॉर्निंग जो है इन्होंने कह के टाइम विश किया था। और ये सारे जो हैं ये हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं, और ये सारे जो हैं यहाँ पे बैठे थे, कुछ जो थे वो बाहर से मुझे देख रहे थे विंडो से कि ये बाजी जो है ना वो फोटोएँ ले रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनका भी जो क्लिप है वो भी ले लूँ। और दूर दूर तक कोई बंदा बशर आपको नहीं नज़र आता, और यहाँ पर ना ये भाई अदील हैं जो कि उमरकोट से हमारे साथ आए थे, तो ये बाइक जो है ना वो छाँव में दरख्त के नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे नहीं हो रही क्योंकि बहुत मुश्किल है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि बाइक को इस तरह से लेके जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो अभी आई थिंक ये सोच रहे हैं कि बाइक पे बैठ के चला के तो फिर किसी तरीके से जो है ना वो बाइक छाँव में की जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी जो है ना ये वाला कुआँ बहुत ज़्यादा गहरा है,
और इसका कवर नहीं है वैसे, मोस्टली जो उन्होंने कुएं खुद बनाए हुए हैं उनके कवर्स हैं, और उसमें वहाँ पे वो जो है ना वो पानी महफूज किया जाता है जो बारिशों का आता है, बारिशें में से बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना गांव और गांव की सराउंडिंग्स का क्लिप था जो पीछे आपने देखा, और अभी जो है वो मैं गाँव में एंटर हो चुकी हूँ। और इस तरह इनका भी यही है, सराउंडिंग इन्होंने एक बनाई होती है बाउंड्री वॉल टाइप ना, तो यहाँ पर ये कुछ खवातीन थी और ये इतनी ज़्यादा लविंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर ये वाला जो हट था ना, पता नहीं किस तरह से बनाती हैं लेकिन इंतहाई खूबसूरत। और यहाँ पे ये एक हिंदू बहन थी मैरिड, तो उनसे मैं सिंदूर लगवा रही थी और वो मुझे बिल्कुल छोटा सा एक शीशा था वो दे रही थी कि आप चेक कर लो कि जो है वो ठीक लगा या नहीं। तो मुझे इनकी कोई समझ नहीं आ रही थी, उनको मेरी कोई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं उर्दू में बात कर रही थी और वो सिंधी में बात कर रही थी और सिंधी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बस मुझे इतना ही पता चला कि उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कि जितनी लंबी ये मांग भरते हैं ना उतनी लंबी आपके शौहर की ज़िंदगी होती है, तो मुझे यही समझ आई। उसके बाद कुछ और क्लिप्स लिए, और क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको होल्ड करना भी, उनको पकड़ना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत 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 क्यूट सा छोटा सा बकरी का बच्चा नज़र आया जिसको मैंने पकड़ा। और फिर मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ से इसको लेके जाती हूँ और शायल को भी दिखा के आती हूँ। तो अभी मैं जी जा रही हूँ शायल को दिखाने, क्योंकि शायल को भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी जी शायल के तरफ हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे शायल बैठा हुआ है, तो वो फीडर पी रहा था वहाँ पे दरख्त के नीचे चारपाई पे, तो मैं बस उसको छोड़ के तो यहाँ पे आई थी ताकि मैं ना कुछ एक्सप्लोर कर सकूं। तो यहाँ पे ये सारी औरतें जो हैं, जो बहुएं हैं, वो सारी जो हैं वो सास से भी घूंघट करती हैं और अपने जो ससुर हैं जेठ हैं उनसे भी। तो यहाँ पे जो आपको अगर घूंघट वाली नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उनकी कोई ना कोई जो है ना वो बड़ी खातून या फिर सास बैठी हुई हैं, इसलिए वो घूंघट करती हैं। तो यहाँ पे अब शायल साहिब जो है ना अब ज़िद कर रहे हैं कि मैंने भी पकड़ना है। तो यहाँ पे बस मैंने फिर उनसे थोड़ी सी और बातें की और बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। मैंने कहा कि आपका कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है। तो बाद में फिर एक और थी जिन्होंने मुझे सिंदूर लगाया था, उनसे ही मैंने पूछा कि मुझे ये वाली चूड़ियाँ जो बैंगल्स हैं ये मिल सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उतारना बहुत मुश्किल है, तो जितनी मैं उतार सकती हूँ वो वाली मैं आपको दे देती हूँ। तो वो जितनी उतर सकी थी वो उन्होंने उतारी और फिर उन्होंने ही मुझे पहना भी दी। तो ये बड़ी अच्छी लग रही थी रेड कलर की, इसमें काफ़ी कलर्स हैं, ग्रीन भी देखा मैंने, पीच भी देखा, मोस्टली वाइट कलर की पहनती हैं और रेड भी था, तो मैंने रेड वाली पहन ली। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ एक और घर में जो कि वहीं पे था, और वहाँ पे मैं फिर मिली उनसे। तो ये भी अब जैसे उनकी सास सामने बैठी हुई है तो उन्होंने भी घूंघट किया हुआ है और उनका छोटा सा बेबी जो है वो उनका उनकी सास ने पकड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत सालों से मैं चाह रही थी कि मैं थर को विज़िट करूँ और एक्सप्लोर करूँ कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। मुझे ये वाला कल्चर और लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना वो प्रैक्टिस ये थी कर रही मैं कि किस तरह से ये घड़ा उठा के लाती हैं और किस तरह से पानी भरती हैं। तो अभी मैं बच्चों से पूछ रही थी कि अच्छा जी अब यहाँ से जो है ना ये जो कुआँ है इसमें से पानी कैसे निकाल के घड़े में डालेंगे। तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि इस तरह से आप इसको नीचे करेंगे और फिर उसको खींचेंगे और फिर घड़े में आप पानी डालेंगे। तो इस कुएं में बारिशों का पानी है जो कि ये लोग पीते हैं, और इसके अंदर जब मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टिड्डियाँ और कीड़े मकोड़े भी थे, और सोच के बस ना एकदम मैं शॉक्ड हो गई थी। इससे बंदा बिल्कुल ना कहीं और ही किसी और दुनिया में चला जाता है कि इतना गंदा पानी है, वो उसी में टिड्डियाँ हैं और वही लोग जो है ना वो पीते हैं। और किसी ने भी वहाँ पे जूती नहीं पहनी हुई थी, सारे जो हैं वो नंगे पाँव थे। और यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आ गई और इनसे बातचीत की, बच्चे भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, उनको भी जो है ना वो फ़न टाइम मिल गया था। मैं उनकी वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह बना रही थी और उनसे बातचीत भी कर रही थी। बच्चों को थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, तो उर्दू इस वजह से थोड़ी सी उनको समझ आ जाती है, बोलने में उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। जो ख़वातीन थी उनको भी जो है वो बोलने में भी मुश्किल है और उनको समझ भी नहीं आती थी। तो उसके बाद एक और प्रैक्टिस मैंने की, मैंने सोचा कि ना मतलब देखती हूँ कि किस तरह से ये औरतें जो है ना इतनी गर्मी में लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई ना हल्का सा बंडल देना, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सबसे हल्का और सबसे छोटा बंडल मुझे दिया जो कि मैं सर पे उठा के, तो मैं काफ़ी दूर तक जो है ना वो गांव से बाहर गई और फिर वहाँ से चल के गाँव के बाहर और फिर अंदर एंटर हुई। तो ये इतना वज़नी लग रहा था और इस तरह से इसको कैरी करना सर पर इतनी गर्मी में, और मैंने तो खुस्सा पहना था जिसका हाल इंतहाई बुरा
हो चुका था उस टाइम तक, लेकिन वो लोग नंगे पांव जाते हैं और उनकी हिम्मत को सलाम। ये मैंने अभी स्पीड पे थोड़ी सी लगाई हुई है, तो मैं मतलब आप लोगों को लगेगा कि तेज़ तेज़ चल रही है, मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि रेत है तो रेत पे आपको अगर कभी मतलब चलने का अंदाज़ा हुआ हो वहीं पे जहाँ पे मतलब शहरों में भी, तो बहुत मुश्किल है। तो ये फाइनली एक घर है जहाँ पे मैंने सोचा कि चूल्हे के पास जो है ना वो ला के जो है लकड़ियाँ वो सारी रख देती हूँ, ताकि बिल्कुल ऐसे ही लगे कि मैं अपने घर के लिए जो है ना वो लेके आई हूँ लकड़ियाँ। बाद में मैंने ये सोचा कि जिनकी लकड़ियाँ मैंने ली थी ना उनको ही वापस कर दूँ, तो अभी मैं उठा के तो उनको वापस करने जा रही हूँ, इसलिए कि ये बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की जाती हैं और बड़ी मुश्किल से जो हैं वो ली जाती हैं। तो बस अभी जाने का टाइम हो गया है, यहाँ से जाना है, तो मैंने सोचा कि फिर एक दफ़ा मैं दोबारा से जो है ना वो कुछ वीडियो के क्लिप्स ले लूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ कि थर डेज़र्ट किस तरह का है और यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। बहुत मुश्किल है रेत, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो गर्मी की वजह से जो है वो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस पर चलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इवन उनके पास जूतियाँ भी नहीं हैं, और खाने का जो सामान है ना, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो खाने का सामान भी जो है ना वो 3-4 महीनों का इकट्ठा ही लेके आते हैं। और बहुत सिंपल उनकी ज़िंदगी है, टमाटर का सालन बना लिया, प्याज का सालन बना लिया, हरी मिर्चों की सब्ज़ी बना ली, कुछ इस तरह का है। मतलब जिस तरह से हम एक बात हमारा अलग सा लाइफस्टाइल है, बिल्कुल उस तरह से नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम पहाड़ों पर जाने के शौकीन होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और शौक से जाते हैं, आई थिंक यहाँ पर भी आना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पर भी वो जो है वो टूरिस्ट जो है वो पॉइंट्स बनाएं, ताकि लोग यहाँ पे भी आएं और यहाँ का कल्चर भी देखें। और ये बहुत खूबसूरत है कि खुदा ने हमारे मुल्क को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है आज की वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।